गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी और हेल्दी पास्ता। तो चलिए बिना देर किए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैंने 2 कप मैक्रोनी ली है और गैस पर कढ़ाई रख दी है और गैस को ऑन कर दिया है। कढ़ाई में हम ये मैक्रोनी डाल देंगे और लगभग 5 से 6 गिलास पानी डाल देंगे और 2 चम्मच हमने ऑयल डाल देना है, जिससे मैक्रोनी कढ़ाई के साथ चिपकेगी नहीं। बीच बीच में हम मैक्रोनी को चलाते रहेंगे और अच्छे से पकने देंगे। ये देखिए हमारी मैक्रोनी पक चुकी है। अब हम इसमें साफ पानी डाल देंगे, जिससे हमारा पास्ता खिला खिला बनेगा। बहुत ही टेस्टी बनने वाला है ये पास्ता और बहुत ही आसानी से बन जाएगा। गैस पर मैंने ये कढ़ाई रख दी है। इसमें अब हम 4 स्पून ऑयल डाल देंगे। हमने 6 स्पून ऑयल लिया था, जिसमें से 2 स्पून ऑयल हमने बॉईल करते वक्त डाल दिया था और 4 स्पून ऑयल का यूज़ अब कर रहे हैं। हमने तेल में ये प्याज डाल देना है और प्याज को हल्का भून लेना है, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। हमने हल्का सा इसका कच्चापन निकालना है, 3 से 4 सेकंड के लिए ही पकाना है हमने। अब इसमें ये टमाटर डाल देंगे हम। टमाटर को भी बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है हमें। टमाटर को 5 से 6 सेकंड के लिए पका लेंगे हम। बहुत ही कलरफुल बनेगा हमारा पास्ता और बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आएगा। इसमें अब हम सब्जियां डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। सब्जियों को भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्का सा इनका कच्चापन ही निकालना है। ये रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें और थोड़ा सा सपोर्ट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अब हम इसमें पिज़्ज़ा पास्ता सॉस डाल देंगे, टमाटो सॉस डाल देंगे, मेयोनेज़ डाल देंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये मैगी मसाला डाल देंगे, रेड चिली पाउडर, नमक और इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें अब हम पास्ता डाल देंगे, इसे हम सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें 2 स्पून पानी के डाल देंगे और लगभग 8 से 10 सेकंड तक अच्छे से पका लेंगे। इसमें अब मैं चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो डाल रही हूँ। चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। देखिए हमारा पास्ता रेडी है, अब गर्मा गर्म सर्व करें और रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी की वीडियो आप तक पहुंच सके और मुझे मोटिवेशन दें, ताकि मैं आने वाली हर रेसिपी आपके साथ शेयर कर सकूँ।